हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सगळे? श्री स्वामी समर्थ तुम्हाला सगळ्यांना. आय होप तुम्ही खूप मजेत असाल. मागे मी बघा, ही मस्त झेंडूची फुलं आलेत आणि त्याचा प्रकार थोडासा वेगळा आहे. हा बघा किती छान फुलं आहेत, बघा खूप फुलं आहेत. तर कोकणातलं आमचं गाव कसं आहे, हमारा गाव कसा आहे कोकण में, मेरा ससुराल स्पेशली, तो वो आज मैं दिखाऊंगी. तो घर तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, राइस का खेती दिखा दिया है, तो अब देखते हैं हमारा गांव कैसा है. पूरा गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हो सके मैं दिखाने का ट्राई करती हूँ. चलिए यहाँ से चलते हैं. या चला क्योंकि बारिश का मौसम अभी ही आके गया है, इसके लिए गांव बहुत ही हरा भरा है. देखिए ये भी हमारा घर है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, शायद दोपहर में, जितने व्लॉग्स एक दिन में कवर हो सके वो मैं ट्राई करूंगी. तो ये जैसे मैंने दिखाया था लकड़ियों का स्टोरेज, वो है बैक साइड में. हर एक लोगों के घरों में ये होता है. और माचार भाई आमसे कुठे चालले आहे म्हणून पकून टाकून दमलो, पकून टाकून दमलो दरवाजा. इथं उघडा आहे, मागचा मागचा आहे उघडा. कुठे चालले आहे? इथेच गाव देखो. आले रे, झालं जेवण बनवलं सगळं आपलं, 7 वाजता सगळं रेडी. काय बोलते? मग आमचे नंद येणार आहेत माझ्या भाई. भाई मग आपलं काय, एकदम फास्ट फॉरवर्ड मध्ये चालतंय. ऐसे आंगन होते है जहाँ पे मिट्टी का आंगन है, ये मिट्टी का घर है. देखिए मिट्टी से लिपे हुए ये दीवारें हैं, बहुत ही टिपिकल क्या बोलते हैं कोकणी टाइप के ये घर है. यहाँ से चलते हैं, आजू बाजू में देखिए ये नल है, यहाँ पे फ्लावर्स तुलसी बहुत सारी है. क्या बनते हैं? हाँ ही थे वो अली झाले इथे का अपनी करू कापून झालं इथे भात होतं. देखिए ये सारा राईस का खेती है ना, इसको ऑलरेडी कट कर दिया है. हे काय आहे काकू? भात भात. ते तुमचं एवढं हिरवं कसं? ते सावलीला दिसत. हां पण ते लवकर कापलं का? नाही पिकलं भात. अरे खराब पण झाले का? हा ते भात नाही, सगळं पोल झाले. म्हणजे सुकायला ठेवलंय ते? सुकून होईल नाही, सगळं काय दाणा असेल तो घ्यायचा. पण ते असं का असं केलं पण तुम्ही तिकडे कुठे ठेवलेलं? हे वाड्याच्या इथे लागलेलं बाजूला खाली शेन ना जास्त. अरे ये जो हरे हरे लग रहे है ना, ये क्यों हो गया पता है? जहाँ पे ये खेत है ना वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा था, और वहीं पे ये क्या बोलते हैं गाय का जो गोठा होता है वो उधर ही है. तो इस वजह से ना ये आई डोंट नो ओवर वो हो गया है शायद, लेकिन इसमें दाने तो कुछ दिख नहीं रहे. दाने ना आए थे तो काकी है सर? मग काय करणार त्याला? काय नाही, आता हे पेंडा आहे ना, तू गुराणा म्हणा. आणि हे भातकुंडी हेच थोडस असेल ते घ्यायचं पाकडून. आणि कोंबड्या असतील तर त्याला घालता येतील ना हे कोंबड्यांना पण? हो कोंबड्या तरी काय आहे त्याच्यात खायला, दाणा असेल तर आपण खाणार. तो देखिए ये एक्चुअली वेस्टेज ही हो गया है पूरा पूरा. एक खेत वेस्ट होना मतलब बहुत बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से लगाओ और उसको बड़ा करो और फिर ये ऐसे ख़राब हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है. देखिए ये सारे ख़राब है, देखिए यहाँ से लेके उस तरफ, मतलब पूरे एक खेत का ये खेती ख़राब हो गया. ठीक है, आपको दाने से ही पता चलेगा ये पूरे वाइट वाइट हो गए हैं और इसमें दाना नहीं है, मतलब राइस का जो दाना होता है ना वो नहीं है इसमें. दुसरी दवाची ती असेल ना काकी तुमची? असं होत का कधी? होत ना, असंच झालं होतं सगळ्या भातात. अरे
बघते हा दाणा आहे काय का पण आहे पण ना तो हा झालाय का की ब्राऊन असं ब्राऊन झालाय व्हाईट नाही राहिलाय तो ब्राउनिश झालाय असा बरं ना काका बरं आहे बरं झालं आता आठवडा झाला आठवडा नाही इथे जसं आलो जरा गाव दाखवू मी हे जरा दाखवते तुम्ही तसंच राहा और देखिए हर एक कोकणी जो क्या बोलते फार्मर्स होते वो अपनी हथियार इस तरीके से लगाते देखिए कितने अच्छे से उन्होंने किया है वो आणि ह्याला काय हे विळेच आहेत ना दोन्ही ना कोयता नाही कोयता और विळा ऐसा दो प्रकार रहता है बड़ा छोटा दिव्यांश तू घरी जातो जाऊ दे वो ऐसे लगाते देखिए त्याला काय बोलतात त्याला असे निकालो नाही विळा नाही लावले याला काय बोलतात आकडी 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 बोलतात आकडी तो आकडी में वो लगाया है तो कोकण के फार्मर्स तो एकदम इंटेलिजेंट है चलो आपने देखा ना ये कितनी ब्राउन और सुनहरी लग रही है और वो देखिए कितनी ग्रीन थोड़ी ग्रीन हाँ देखिए ये भी ग्रीन है ये भी ऑलमोस्ट खराबी हो गई है वही जो चाची है उनका ये करेले का वो है वेल और उसमें देखिए ये छोटे छोटे करेले आए हैं देखिए ये अभी बड़े होंगे मस्त हरे हरे देखिए ये छोटे छोटे करेले आए हैं और उन्होंने नीचे ये सब्जी लगाई है ग्रीन वेजिटेबल और ये है उनका गोठा तबेला काकी गोठ्यात लाइट नाही नाही लाईट नसते इथे अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिसते 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 व्यवस्थित एकदम ये है हमारे कोकण में तबेला और यहाँ पे गाय भैंसे मतलब बैल और ये छोटा सा बछड़ा है जो हम हमसे देख के ही डर रहा है वो कितना प्यारा सा खूबसूरत छोटा सा तो और देखिए जो राइस का मैंने बोला ना ग्रास जो बचता है ये देखिए गेल्या वर्षी से हाँ ये लास्ट ईयर का है जो ऊपर डाला है और यही एक एक निकाल के इनको चारे के हिसाब से होता है क्योंकि अप्रैल मई में चारा मिलना हरा चारा मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है तो यही सारा वो लोग खाते हैं तो ये देखिए ये गोबर इसको दाव बोलते हैं इसमें बांधते हैं गाय भैंसे और यहाँ पे चारा चारे के लिए ऐसे रखा है तो यहाँ से अंदर से मुंडी ऐसे डालते हैं वो लोग चारा खाते हैं तो इस तरीके से ये गाय का हो गया गोठा मतलब तबेला तो ये हो गया यहाँ पे सीढ़ी रखी है चारा निकालने के लिए देखिए ऊपर ऊपर की तरफ ये देखिए चार पांच पंपकिन आए हैं देखिए ऊपर की तरफ तो उधर ही करेले लगाए उधर ही पंपकिन लगाया है उधर ही ये भाजी लगाया है ये शेती खाली कापली जाते देखिए ये सारा लीफी वेजिटेबल है और देखिए ये गाय का गोबर जितना भी आ रहा है ना वो यहाँ पे रखा है तो ये गोबर जो है ना उधर ज़्यादा जा रहा है वो खेती में जैसे एकदम टच है तो इस वजह से वो खेती जो है मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने की वजह से भी वो ख़राब हो गई है बेचारे क्या करें इतना खेत लगाया था और आजू बाजू में आप देख सकते हैं ये सारा सह्याद्री है बहुत ही हरा भरा खूबसूरत और मैंने जैसे बताया था आपको हमारे गाँव के बाद कोई गाँव नहीं आता कोई भी गाँव नहीं आता तो ये लास्ट गाँव है इसके बाजू में सारे ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े जंगल है ये हरे भरे दिव्यांश कम दिस साइड कम बैक ये नदी से वहाँ है तितने तो वर्तन पानी देखिए अभी इसमें पानी नहीं है लेकिन आपको देखेगा पत्थर ये
जून में, मतलब मई जून में जैसे बरसात के दिनों में, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा गीला गीला कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन ये जल्दी सूख गया। जैसे अक्टूबर ही महीना चल रहा है तो भी ये सूख गया। इतना खूबसूरत दिखता है ना, हर छोटी छोटी जगह में आपको झरने और वो छोटी छोटी नदियाँ बहती हुई दिखेंगी। तो ये एंड में नहीं, मतलब और भी है आगे, वहाँ तक नहीं जाती यार, धूप बहुत लग रही है। लेकिन आपको गांव आज दिखाना ही था हमारा कैसा है। आजू बाजू में देखिए ये सारे पेड़ पौधे हरा भरा, तो मतलब 12 महीने हरा भरा है ये गांव, क्योंकि पहाड़ के ऊपर होने की वजह से यहाँ पानी की किल्लत कभी नहीं होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना वैसे वैसे पानी कम होता जाता है। तो ये इधर घर है एक किसी का। तो और एक और बात, इस गांव में आजू बाजू में बहुत जंगल होने की वजह से यहाँ शेर, और शेर मतलब शेर 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 है, टाइगर लेपर्ड, हाँ, टाइगर लेपर्ड्स टाइगर नहीं है, हाँ टाइगर है, हाँ लेपर्ड्स, वर्थॉक मतलब जंगली सुअर, डियर्स, ये सब बहुत मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे एक आदिवासी जाति है, वो शिकार में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग जाके शिकार करके लाते हैं। आपले एक दुकान तो देखिए ये ना वो गेंदे के फूल होते हैं ना उसी का ये प्रकार है। देखिए आपको इसके लीव्स से पता चलेगा कितना प्यारा खूबसूरत है। देखिए मुझे तो बहुत फ्लावर्स पसंद है, और कोकण में तो ये सीजन में बहुत सारे होते हैं। तो ओ थांबा तुम्ही येऊ नका, थांबा ते ओ इतके पैसे घेऊ नका, नाही नाही म्हणजे येणार ना, काय सगळीच नाही धरत घालून जातात हे ते ठेव रिटर्न दिव्यांश लागू नका, इथे आता दुसरं कुठलं दुकान नाही, ठेव तिथे सगळं दे रिटर्न, मायर तू खात नाहीस दे रिटर्न। मेरी सासू माँ की कजिन सिस्टर, हम लोग इनको मौसी बोलते हैं, तो फिर उनका ये बैकयार्ड फ्रंट यार्ड अमेरिका की, और बाहर केनिया मध्ये असतो, केनिया मध्ये चांगला पण विषय तुकडे केनिया मध्ये असतो, केनिया केनिया आफ्रिका मध्ये, आफ्रिका अब काम तो भारत का क्या ये ऑरेंज कलर के और ये पीले कलर के कितने अच्छे है मावशी, ह्याचं बी नाही येत आपल्याला, मग ते आईंना द्या ना आमच्या, हा किती सुंदर आहे, आमच्याकडे नाही आहेत फुलंच झाड नाही आहेत अजिबात, मग किती सुंदर आहेत। और यहाँ पे तुलसी है, बहुत सारी तुलसी आई है, बहुत सारे गेंदे के फूल आए हैं, जो ये दशहरे वगैरह में यूज होता था तोरण वगैरह बनाने में, देखिए इस तरीके से। वहाँ पे भी देखिए फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, देखिए तुलसी माता। तो आप मैं दिखाती हूँ कि हमारे कोकण में छोटे छोटे दुकानें कैसे होती है, तो वो मैं दिखाती हूँ। देखिए पसीने से लथपथ
बहुत ही पसीना आ रहा है। तो हर एक गांव में एक से दो दुकान तो होती ही है, और यहाँ पे तो एक ही है, ये बहुत ही फेमस, जो भी माल आता है पूरे गांव में ये एक ही दुकान है। तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ के दुकानें कैसे होती है, चलो। देखिए यहाँ दिया बत्ती की है, और ये छोटे छोटे कंटेनर्स में ऐसी कुछ चीज़ें होती है लोकल प्रोडक्शन। फिर यहाँ है कुछ पान सुपारी, मैगी मसाला, और दुकान की मालकिन आ रही है। नहीं ते आवडत आहे त्यांचं। इस तरीके से एक छोटा सा दुकान हर एक गांव में आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए तो इस तरीके से ये घर है, थोड़ा सा अभी नया बनाया था, 3-4 साल पहले की बात है। तो ये इधर पत्रा वत्रा डाल के मस्त यहाँ पे शेड बनाई है, यहाँ पे बैठ के बहुत लोग खाना खाते हैं, हम लोग खेलते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पम्पकिन आया, आपको दिख रहा है पता नहीं, ये देखिए ये पम्पकिन आया है यहाँ पे भी। शो मी सगळ्यांना काढायचं, मायरा पडतं खाली मध्ये, नाईस ये खाली बाहेर पिऊन टाका, पी पी पी, हा खा, यम्मी आहे, चमचा नाही खा, काढू नको चमचा नाही खा, असे मला पाणी हवंय, देखिए ये इसको बोलते हैं, ये मसाला पीसने का भाइन बोलते हैं इसको हम लोग कोकण में। इसमें सारा जो भी हम मसाला पीसते थे, जैसे मिर्ची हो गई या हल्दी हो गई या कोई भी और मसाले, तो इसमें डालने का, और उसका एक लकड़ी होता था जिसको ऐसे ऐसे करके फिर उसमें मसाले पीसे जाते थे, और उस पर ये होता है ये बड़ा सा पत्थर उसको ढकने के लिए। तो ये भी उनके आंगन में है, देखिए ये मासी जी के आंगन में रखा हुआ है। तो चलिए चलो चलो चलो, पेटर काय ठेवले मौशी, हा चला चला बाबा चला मायू, अभी हम जाते हैं घर। तो आपको ये कोकण का हमारा गांव, मेरा ससुराल कैसे लगा, और हिंदुआई हिंदुआई आणून देऊ ना, आणून देऊ ना, देखिए सांप, ओ माय गॉड, बड़ा सा सांप था, हाँ बहुत ही बड़ा, हाँ कैप्चर हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे। ओ आली में गेहूं, बड़ा सा काला सांप था इधर, पता नहीं कैप्चर हुआ कि नहीं, मैं देखूंगी एक बार फुटेज, लेकिन इधर ही पड़ा था वो, और ऊपर की तरफ भाग गया वो। तो यहाँ पे तो मोस्टली रहता ही है, और हाय मैं तो डर गई बाप रे, क्योंकि बहुत ही मोटा और बड़ा और एकदम फास्ट वो गया। तो इस गली में ना मोस्टली होते ही है सांप, सांप बिच्छू तो इधर मिल ही जाएंगे आपको। तो अभी पहुंच गए वापस जहाँ से हमने शुरू किया था काम, अभी भी वहाँ पे चालू है। तो अब चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्था, बाय।